हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है IOCL की तरफ से, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे 1535 यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें किसी भी टाइप का कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा। ये वैकेंसी रहेगी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कैसे अपने को अप्लाई करना है, क्या आपका जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, वो मैं वीडियो के शुरुआत में आपको बताने वाला हूँ। जो मेरे भाई बहन एलिजिबल हैं वीडियो को कंटिन्यू करना, और जो अप्लाई नहीं कर सकते वो डायरेक्टली वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को मेंशन करके आपने किस ब्रांच में यहाँ पे BBTech डिप्लोमा किया है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस हो, ये सारी चीज़ें मेंशन कर देना। आपने किस ट्रेड में ITI किया है ये भी सारी चीज़ें बता देना, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म फीस यहाँ पे आपको 1 रुपया पे नहीं करना, 0 रुपये आपको फॉर्म फीस देखने को मिलेगा, मतलब कि ये फ्री का फॉर्म आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो एलिजिबल रहेंगे, किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं मांगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपने ITI किया है आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया है आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने डिग्री कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें 1535 टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी एग्जैक्ट यहाँ पे ये देखने को मिलेगी। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर देना। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का, और ये वीडियो ऑटोमेटिकली उन लोगों तक पहुंच जाएगी जो कि एलिजिबल रहने वाला है। यहाँ पे आपका लाइक का टारगेट रहेगा बस 500 प्लस आपको लाइक करवा देना है, और किसी भी टाइप की कोई कंजूसी नहीं करनी। वीडियो को शेयर करते टाइम आराम से दबा के शेयर करिए वीडियो को। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहां पे मैंने डायरेक्टली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। इस नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, आप वहां पर डायरेक्टली क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर मोर जॉब्स अपडेट के लिए और PDFs के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट किया गया है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे अलग अलग रिफाइनरी के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें 1535 पदों पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन डेट देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट किया गया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना और PDF को डाउनलोड कर लेना, अच्छे से रीड आउट कर लेना। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें आपका 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, आपको इंडस्ट्री रिलेवेंट ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क होता है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, और आपको स्टाइपेंड भी यहाँ पे मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दी, यहाँ पे 1535 आपकी रहेगी, जिसमें आपका कोड रहेगा, ट्रेड आपका रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, क्वालिफिकेशन रहेगा, कौन कौन सी रिफाइनरीज के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग रहेगा, टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। पहला जो आपका रहेगा जिसमें आपका रहेगा ट्रेड अप्रेंटिसशिप रहेगा ऑपरेटर का, जिसमें केमिकल प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा, डिसिप्लिन में यहाँ पे केमिकल मांगा है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आपने 3 साल का BSc कर रखा है फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्री रिलेवेंट के अंदर, इंडस्ट्री केमिस्ट्री के अंदर मतलब कि 3 साल का डिग्री कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सारी रिफाइनरीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 महीने का आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। 396 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। अगली बात करें यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर वालों के लिए निकाला गया है, जिन्होंने यहाँ पे फिटर के अंदर ITI किया है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी रिफाइनरीज आपको देखने को मिलेगी, 12 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, 161 अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। इन अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है UR SC ST OBC कैटेगरी वाइज। अगली अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी ट्रेड अप्रेंटिसशिप बॉयलर के अंदर, जिन्होंने 3 साल का BSc कर रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर इंडस्ट्री केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी रिफाइनरीज आपको देखने
देखने को मिल जाएगी। ये आपका 2 साल का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, 54 अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो आपकी जो आपका यहाँ पे रहेगा उसको डिवाइड कर दिया है, जो आपकी वैकेंसी रहेगी उनको यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। अगली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का, जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है केमिकल के अंदर, रिफाइनरी के अंदर, पेट्रोकेमिकल के अंदर, वो अप्लाई कर सकता है। ये सारी रिफाइनरीज आपको देखने को मिल जाएगी। 12 महीने का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, 332 आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। कैटेगरी वाइज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को डिवाइड कर दिया गया। अगली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का, जिसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, 3 साल का डिप्लोमा किया मैकेनिकल में, अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी रिफाइनरीज देखने को मिल जाएगी। 12 महीने का आपका ये 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम में रहेगा। 163 अपॉर्चुनिटी निकाली गई है और ये सारी अपॉर्चुनिटी कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दी गई है। अगली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का इलेक्ट्रिकल के लिए, 3 साल का डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल में, अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा जो रिफाइनरीज है। 198 यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकाली गई है और 12 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। यहाँ पे आपका डिवाइड कर दिया गया कैटेगरी वाइज अपॉर्चुनिटी को। अगली अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन मांगा है। तो अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के अंदर, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी रिफाइनरीज देखने को मिलेगी। 12 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। 74 अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपॉर्चुनिटी को डिवाइड कर दिया है। अगली अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी ट्रेड अप्रेंटिसशिप का, 3 साल का डिप्लोमा आपने बीएससी किया या फिर अगर आपने बीए किया, बीकॉम किया, अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी रिफाइनरीज रहेगी। 15 महीने का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। 39 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कैटेगरी वाइज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को डिवाइड किया है। अगली अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी अकाउंटेंट का, 3 साल का बीकॉम किया, अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी रिफाइनरीज रहेगी। 12 महीने का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। 45 नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। अगली जो आ रही है ट्रेड अप्रेंटिसशिप का डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो अगर आपने 12th कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी आपकी रिफाइनरीज रहेगी। 15 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। 41 अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है और लास्ट आ रहा है आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप का डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो अगर आपने 12th के साथ स्किल सर्टिफिकेट लिया है होल्डर डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी रिफाइनरीज रहेगी। 15 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। 32 अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को डिवाइड कर दिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि जो सीट है 1535 वो इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इस पे डिपेंड करता है, वो सारा IOCL पे डिपेंड करता है कि उसको इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे, ये पूरा उनको हक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या EWS से बिलोंग करते हैं, तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। और 45% मार्क्स इनके मांगे जो अगर SC से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर PWD कैंडिडेट है, उनके 45% मार्क्स यहाँ पे होने जरूरी है। यहाँ पे अगर आपने ITI किया है NCVT से SCVT से, तो आप एलिजिबल रहेंगे। दोनों में से किसी से भी किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि जिन्होंने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखा है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर रखी है कि अगर आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BBTech है, MBA है, CA, LLB, MCA है, तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट क्या मांगा है। तो 18 साल मिनिमम आपका एज लिमिट मांगा गया है और 24 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट मांगा गया है, जो कि आपका 30 सितंबर 2022 से काउंट होने वाला है। एज रिलैक्सेशन बिल्कुल दिया जाएगा जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहते हैं। यहाँ पे SC ST कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में इन्होंने बता रखा है, मतलब कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 30 सितंबर 2022 से पहले हो जाना चाहिए। अगर आपने डिग्री किया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर अगर आपने ITI किया है, तो आपका 30 सितंबर 2022 से पहले पहले हो जाना चाहिए और आपका एज भी यहाँ पे 30 सितंबर से 2022 से पहले पहले यहाँ पे इनका मैच होना जरूरी है। यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस टोटली आपका रिटन टेस्ट के बेस पे होगा, जो कि आपका 2 घंटे चलेगा, उसी के बेस पे आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। MCQ टाइप आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को
मिलेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे। यहाँ पे बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि यहाँ पे जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है वो 24 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 23/10/2022 तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे चलेगा। इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पे बता रखा है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। वैसे मैं सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा जिसपे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 50 KB से ज़्यादा जो भी आपका यहाँ पे फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, वो 50 KB से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होने चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट रिफाइनरी के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है इन्होंने क्यूआर कोड भी मेंशन कर रखा है जिसको आप स्कैन करके डायरेक्टली अप्लाई लिंक तक पहुँच सकते हैं। आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होगा क्यूआर कोड स्कैनर का, आप डायरेक्टली उसको स्कैन करिएगा। इसका जो डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग है वो 24 सितंबर से है, लास्ट डेट इसका 23/10/2022 से रहेगा। और यहाँ पे जो इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड का डेट है 1/11/2022 से लेके 5/11/2022 तक आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो रिटर्न टेस्ट है वो आपका 6/11/2022 तक रहने वाला है। जो इसका रिजल्ट आएगा 21/11/2022 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28/11/2022 से लेके 7/12/2022 तक इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं ताकि वो जॉब आपके लिए हम ला सकें। एंड व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।